लोको पायलट रामकृष्ण का घर। आ गए आप? कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बाद में आप फ्रेश हो जाइए। अरे आओ बेटा, आओ बैठो। पेपर कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे पापा, इस बार तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। वेरी गुड। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी, और आप ठीक से आराम कीजिएगा। अच्छा एक बात और बेटा, वो मैंने दार्जिलिंग जाने का रिजर्वेशन करवा लिया है। ठीक है? ठीक है, बाय पापा। बाय। वो बाबूजी का फोन आया था ना, उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे भेजने थे। हाँ वो तो मैंने कल ही भेज दिए। हाँ पर चिंता क्यों करते हैं? राजू के कॉलेज के टूर के लिए जो पैसे रखे थे वो मैंने भेज दिए। लेकिन अरे राजू ने खुद ने कहा कि वो 3 महीने बाद वाले टूर में चला जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, आपको फिर 2 बजे नौकरी पर जाना है। हाँ चलो भाई, जैसी आपकी आज्ञा मैडम। लोको पायलट रवि का घर। सुनो अच्छा हुआ तुम आ गए, टीनू का रिक्शे वाला नहीं आया है, उसे जल्दी से स्कूल छोड़ाओ। अरे लेकिन थोड़ी चाय मिल जाती तो। वो सब बाद में, जाओ जल्दी, ये लो टीनू, चल जल्दी। लोको पायलट रामकृष्ण का घर। अरे कोई है? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। अरे भाभी जी बेल बंद है क्या? आपके भाई साहब सो रहे हैं इसलिए स्विच बंद करके रखी है। अरे आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बच्चे तो ठीक है? सब ठीक है भाभी जी, थोड़ा काम था इसलिए भाई साहब से मिलने आ गया। रात भर नौकरी करके आए हैं, अभी तो वो सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है तो मैं चलता हूँ, जब वो उठे तो मेरी बात करवा दीजिएगा। लोको पायलट रवि का घर। कौन है? मैं दूध वाला मैडम। अच्छा बिल लाए हो? हाँ मैडम। सुनते हो, दूध वाला बिल लेकर आया है, सुन नहीं रहे हो क्या? हाँ तो दे दो ना उसे पैसे, वो जो रखे ना पैसे बाबूजी का ऑपरेशन के लिए उसमें से दे दो। पर वो पैसे तो मैंने टीनू के स्कूल टूर के लिए उसके स्कूल में दे दिए। ओ, हाँ तो मेरे पर्स में से दे दो और मुझे सोने दो। लोको पायलट रामकृष्ण का घर। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गया और खाना भी बहुत अच्छा था। एक मिनट, जब आप सो रहे थे तब श्रीधर भाई साहब आए थे? हाँ उसका एक काम था, वो मैंने करवा दिया, अभी वो मुझे ड्यूटी पर मिलेगा तो बता दूंगा। ठीक है मैं चलता हूं। लोको पायलट रवि का घर। न,
दो बज गए? अरे कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो तैयार होता हूँ, नहा भी नहीं पाया। अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुमको तो बस नौकरी करना, खाना पीना और सो जाना, दूसरा और कोई काम है ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? हम सबका पिक्चर जाने का मन था, लेकिन तुम तो। अरे इस ट्रिप के पास समय मिलता तो लेके चलता मैं सबको। तुम्हारी तो हमेशा ये ट्रिप और वो ट्रिप ही लगी रहती है। नौकरी भी तो करनी है। तो दूसरे लोग भी तो करते हैं। ठीक है मुझे जाना है, खाना भी नहीं बनाया तुमने, कहीं चला जाता हूँ। रास्ते में खा लेना। अरे आओ भाई श्रीधर, क्या हाल है? बस ठीक है सर। तुम्हारा काम मैंने कल करवा दिया था। थैंक यू सर। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर रवि भाई की हालत तो देखिए, पता नहीं क्या हो गया है। रवि। नमस्ते सर। क्या हाल बना रखा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? घर में तो सब ठीक है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई खास बात नहीं, थोड़ा आराम नहीं कर पाया हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, मैं तुमसे सीनियर हूँ इसलिए मेरी बात गांठ बांध लो। हम लोगों की नौकरी साधारण नौकरी नहीं है, हम ट्रेन चलाते हैं और ट्रेन में बैठे हजारों मुसाफिरों की जिंदगी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें पूरी तरह से फिट रहना चाहिए, समझे? यस सर। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो श्रीधर, ट्रेन का टाइम हो रहा है, और रुपेश जरा अपने रवि भाई को समझाना। यस सर। और रुपेश सब देख लिया ना? यस सर, सब ठीक है सर। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल पे बात करना मना है। तेरी भाभी का फोन है तो क्या है सर? हाँ बोलो। मम्मी का फोन आया था। हाँ तो मंजू की शादी के लिए 5 लाख रुपए देने हैं। अरे सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कुछ नहीं जानती, जैसे अपनी बहन की शादी के लिए लाए थे। हाँ देखता हूँ अभी फोन करो। शासन आप परिवारजनों से भी रेल सेवा में सहयोग की अपील करता है। घर पर लोको पायलट को पूर्ण विश्राम करने दें, कोई भी मादक पदार्थ का सेवन न करने दें,
घर पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखे, साथ ही साथ ड्यूटी पर जाते समय तनावग्रस्त बातें एवं माहौल न बनाएं। किसी भी औषधि का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से न करने दें। ड्यूटी के समय पर लोको पायलट से मोबाइल फोन पर बात न करें। कर्तव्य पर आने से पूर्व पूर्ण करें विश्राम। कार्यशैली उच्च रहे, सुरक्षित रहे, मिटे दुविधाएं तमाम। दुर्घटना हमसे ना हो जाए, होती दुर्घटना भी टाल पाएं। चाहे गलती हो किसी की भी, पर हम शामिल ना हो कभी भी।